हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कुछ अच्छे एंड एक्सपीरियंस्ड आरटीएक्स 3060 वाले डब्बों को आपस में लड़वा के विनर को घोषित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे अप्रॉक्स 11 लैपटॉप्स का एंट्री मिला है, सो मैंने उनमें से ही कुछ को सेलेक्ट करके बेस्ट वाले करने की कोशिश की है। सो मैं उन सब लैपटॉप्स का लिस्ट नीचे दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, देन डू लेट मी नो। एंड थैंक्स टू द विटनेस टॉमी, नोमा एंड डीज फॉर शेयरिंग द लिस्ट विथ मी। थैंक्स अ लॉट गाइस। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम ऐसे सीरीज का वीडियोस बनाते रहते हैं, सो आपको फ्यूचर में भी कुछ तो लाभ मिलेगा ही हमारे इस वीडियोस से। सो लाल बटन दबाना ना भूलें। सो इस लिस्ट में फाइनली मैंने 3 लैपटॉप को सेलेक्ट किया है जो मुझे लगता है कि आपको डेली दिवाली की अनुभूति देगा। एंड मैंने 1.3 लाख का लास्ट बजट रखा है, नॉट मोर देन दैट। वैसे ये भी ज्यादा ही है, बट आई गेस उससे ज्यादा अप्रोक्स 10,000 एक्स्ट्रा फंसाने के बाद मेरे हिसाब से आपको एक अच्छा QHD स्क्रीन एंड मे बी टॉप ग्रेड बिल्ड विद फुल TGP GPU को तो मिलना ही चाहिए, और उससे ज्यादा फंसाने का मतलब नहीं बनता 3060 के लिए। बट मैंने जब देखा कि 1.3 से ज्यादा जाने के बावजूद ये सब नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने 1.3 पे ही बजट को फिक्स कर दिया। सो इस लिस्ट में पहला है हेलियोस, जो कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है मुझे। 10870H इज अ पावरफुल 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, एंड मुख्य बात यह कि GPU भी 105 वाट TGP के साथ मिलेगा। सो ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में, नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट एक बात थोड़ा प्लस है हेलियोस के साथ, वो ये कि ये एसर का है एंड उनका कोई भरोसा नहीं है फिर से कब TGP अपडेट कर दे। सो अगर बढ़ाते हैं देन एक असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाएगी आप सबके लिए कि लाइक बायस अपडेट करना है या नहीं, क्योंकि अगर किया तो भाई हीट इतना ज्यादा प्रदान करेगा कि आपका लैपटॉप शायद हैंडल ना कर पाए, और अगर नहीं किया तो टेबल पे परफॉर्मेंस छोड़ के स्लो वाले GPU के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, जो लास्ट टाइम एसर वाले ने हेलियोस का नाम दिया था लिस्ट में फॉर न्यू TGP, वो ये हेलियोस नहीं है। इट वॉज अ डिफरेंट वेरियंट, नॉट द इंडियन वन। इसके अगेंस्ट आई विल सजेस्ट ओमेन 15, जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है 1.3 लाख के साथ। लास्ट ईयर वाला लैपटॉप आज भी 1.2 पे बिक रहा है, जिसमें RTX 2060 मिल रहा है एंड 4800H। इस बार एक्स्ट्रा 10,000 में डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को जरूर मिलेगा, एंड इसमें हेलियोस एंड इन दोनों के बीच में 13,000 का फर्क है। बट ओमेन में आपको मिलेगा 5800H वाला प्रोसेसर, जो कि परफॉर्मेंस लिस्ट में काफी आगे है 10870H से। इवन बोथ आर 8 कोर एंड 16 थ्रेड प्रोसेसर, एंड मल्टीटास्किंग में तो वैसे भी 5800H अपना किंग ही है। वो आपको स्पेशली उपजाऊ लैपटॉप महसूस कराएगा। साथ में इसमें जो RTX 3060 है वो 100 वाट का है, सो 5 वाट का डिफरेंस मिलेगा आपको, बट वैसे भी इस 5 वाट में आप मॉर्टल नहीं बन जाओगे। दूसरा आपको मिलेगा 1TB SSD, जहां हेलियोस में 1TB हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 256GB SSD है। सो फुल स्टोरेज आपका बिजली से तेजी के साथ चलेगा, ना कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन। तीसरी बात, ओमेन का कूलिंग तो आपको पता ही है, इट्स बेटर देन हेलियोस। सो 13,000 में बहुत कुछ दे रहा है आपको ओमेन। अगर आपका बजट आप थोड़ा बढ़ा सकते हो तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन है। आज भी जिन लोगों ने ओमेन को लिया है लास्ट जनरेशन वाला, वो काफी खुश है परफॉर्मेंस से। बट एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि लास्ट टाइम सेल में हेलियोस ने काफी बड़ा डिस्काउंट दिया था अपने लैपटॉप पे। सो इस बार भी जो सेल आने वाला है, प्राइम डे सेल, उसमें अगर सेम डिस्काउंट मिलता है तो ये शायद आपको 1.04 लाख में अवेलेबल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हेलियोस सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। बट एट द सेम टाइम ओमेन का बिल्ड भी कुछ खास अच्छा है नहीं कंपेयर टू हेलियोस। एज पर HP गाई प्रसन्न नाही सेड कि इस बार वाले डब्बे में उन्होंने सिर्फ CPU एंड GPU को चेंज किया है, बाकी सब सेम ही है लास्ट ईयर वाला। तो मुझे कहीं अंदर गहराई में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कूलिंग में थोड़ा फर्क मालूम जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस बार के कंपोनेंट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू लास्ट जेन। नेक्स्ट, अगर आपका बजट और कम है, लाइक 1 लाख है, देन गो फॉर निट्रो, जिसका प्राइस अभी बढ़ा दिया गया है। ये पहले 94,000 में अवेलेबल था, 94,000, नाउ इट्स 1 लाख रुपीज। बट आई गेस इसका TGP थोड़ा बढ़ा करके 95 वाट कर दिया गया है, जो कि पहले 85 वाट था। सो नाउ एक्स्ट्रा 5,000 में आपको 10 वाट का TGP दे रहा है निट्रो। अपार्ट फ्रॉम दिस, निट्रो इज गुड लैपटॉप विद गुड कूलिंग सिस्टम। सो इसका आपको लैपटॉप की गहराई में छुपा सारे कंपोनेंट बिल्कुल सन्नाटे से भरे हुए, शांति में एंड सनसनाते हुए कूलिंग में जिंदा रहेंगे, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप भी काफी लंबा चलेगा। इस चीज का बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा, ओमेन एंड निट्रो में, विच इज गुड। बाकी आपको अप्रोक्स 15,000 का लेस प्राइस के साथ 5600H 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर मिलेगा एंड 10 TGP का नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही में स्क्रीन जो मिलेगा वो 45% NTSC वाला होगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो 45% वाला NTSC स्क्रीन को लेकर के क्यों कॉम्प्रोमाइज करना, इससे बढ़िया स्क्रीन आपको मिल सकता है इतने में। सो ये एक एकदम स्पेसिफिक टू मीडियम ग्रेड गेमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं हेलियोस एंड ओमेन इज गुड फॉर ऑल, लाइक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, गेमर्स एक्सेट्रा।
नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा और पैसा लगा सकते हैं, मोर देन 1.3 लाख, अप्रॉक्स 1.37, देन यू कैन ऑल्सो लुक फॉर जेफायरस G15। ये 5800HS प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि थोड़ा कम कमजोर है 5800H से। साथ में बेस्ट पार्ट इसमें मिलेगा QHD स्क्रीन विद 100% sRGB एंड 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम के साथ। बाकी सब सेम है कंपेयर टू ओमेन। इसका प्राइस 1.3 से ज्यादा है, बट आपको स्क्रीन एकदम उपजाऊ देगा। रोग सीरीज है तो बिल्ड एंड क्वालिटी अच्छा ही है इसका। सैड पार्ट, मुझे इसके GPU का TGP पता नहीं है, बट मैं आपको कंफर्म जरूर करूंगा वाया पोस्ट और कमेंट। अगर आप में से किसी को पता है तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लास्ट, MSI का भी ऑप्शन है एट 93,000, बट उसमें आपको पता है कूलिंग इज बैड एंड 3060 भी 80 वाट का TGP के साथ है, प्लस 45% NTSC। ये सब साइड अगर रख दिया जाए तो भी अगर आप प्रोसेसर की तरफ ध्यान देंगे तो वो है 10500H। वैसे तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, बट इट इज लिटिल लोअर देन 5600H। बट आई गेस अगर सिर्फ गेमिंग का प्लान है तो 10500H भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। बट MSI के लिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कई लोगों का वोटिंग अंडर वोल्टिंग की तरफ है। उनका कहना है कि अगर आप अंडर वोल्टिंग करते हैं इस लैपटॉप में तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बट सैडली इस लैपटॉप में इस प्रोसेसर के साथ में अंडर वोल्टिंग फिलहाल अवेलेबल नहीं है, शायद बाद में मिल जाए। एंड दूसरी बात, MSI का सर्विस भी सड़ू है। अगर कुछ होता है आपके लैपटॉप के साथ तो डोर टू डोर सर्विस तो नहीं मिलेगा, बट भटकना जरूर पड़ जाएगा। टफ A17 भी अवेलेबल था, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि अगर आप 1,20,000 रुपया फंसा रहे हैं टफ के लिए तो एटलीस्ट गुड कूलिंग एंड अच्छा स्क्रीन तो मिलना ही चाहिए। अगर 1.2 लाख में हीटर ही लेना था तो सस्ता वाला ही ले लेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक अच्छा ऑप्शन था निट्रो, जो कि 1.22 लाख के आसपास में QHD डिस्प्ले दे रहा था विथ अप्रॉक्स सेम कॉन्फ़िगरेशन, बट सैडली वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एंड मेरे हिसाब से इस प्राइस पे और आगे आने वाला भी नहीं है, क्योंकि एसर ने उसका भी TGP बढ़ा दिया है। सो ओवरऑल 3 कंपटीटर बचे, हेलियोस, ओमेन एंड निट्रो। निट्रो की तरफ आप तभी जाओ जब बजट कम है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही मिलेगा, बट ओनली अगर आप गेमर हो, ना कि कंटेंट क्रिएटर और 3D मॉडलिंग इन सब में इंटरेस्टेड हो। हेलियोस इज गुड ओवरऑल, बट इसका प्रोसेसर थोड़ा वीक है कंपेयर टू AMD 1। सो वर्क आपका अगर ज्यादा डिमांड करता है प्रोसेसर रिलेटेड टास्क का, सो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा और पावरफुल प्रोसेसर लेना चाहिए आज ही। लास्ट, ओमेन, जिसका बिल्ड गंदा है कंपेयर टू हेलियोस एंड निट्रो, बट परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से यूज करें अपने लैपटॉप को तो ये लंबा चलने वाला डब्बा है। एंड मेरे खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से HP का सर्विस भी अच्छा है। एट लास्ट, डू वेट फॉर सेल, जो कि काफी नजदीक है, उसमें आपको जरूर इन सब लैपटॉप्स का एक्चुअल प्राइस देखने को मिल जाएगा, तभी आप खरीदने की कोशिश करें। सो ये था आज का लिस्ट। आपका कुछ कहना है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।